Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chapter number 15. Number 1. Light consists of minute particles called dash according to corpuscular theory of light. तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है corpuscular, यही इसका ऑप्शन भी है. लाइट जो है वो छोटे पैकेट की फॉर्म में होती है अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्क्यूलर या कॉर्पस्क्यूलर्स की फॉर्म में होती है अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट. नंबर 2. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश. लाइट किस चीज़ की फॉर्म है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. पहले ब्लैंक में आएगा एनर्जी. विच प्रोपोगेट्स अ ट्रेन ऑफ वेव्स, जो कि प्रोपोगेट करती है, आगे की तरफ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट. पहले ब्लैंक में एनर्जी और दूसरे ब्लैंक में वेव. नंबर 3. अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी लाइट इज सपोज टू बी अ फॉर्म ऑफ डैश विच इज एब्जॉर्ब्ड एंड इमिटेड इन डैश. क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहले ब्लैंक में एनर्जी, जो कि एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी. नंबर 4. The speed of light in air is dash than the speed of light in water. The speed of light in air is greater than the speed of light. पानी में लाइट की स्पीड कम होती है as compared to the speed of light in air. Number 5. Dash light is composed of lights of different dash. White light is composed of light of different colors. पहले में white, दूसरे में colors. Number 6. Splitting of white light into several colors is called. White light का मुख्तलिफ कलर्स में टूट जाना क्या कहलाता है? Dispersion. According to dash, light is propagated in space in the form of waves. According to Huygens, जो साइंटिस्ट था Huygens, उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि लाइट जो है वो स्पेस में प्रोपोगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. Number 8. Electromagnetic waves differ in frequency and in dash. Electromagnetic waves एक दूसरे से differ करते हैं in frequency and in wavelength. Number 9. Light is emitted by dash atoms. Light is emitted by excited atoms. जो atoms excited form में होते हैं, जिन्होंने energy absorb कर ली होती है, वही energy को emit करके light को emit करते हैं. Number 10. An electron may absorb energy and be lifted to a higher orbit. इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये बात आपको पता है. यहाँ पर जो हमारे पास एटम होता है उसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और एटम्स के गिर्द होते हैं मुख्तलिफ ऑर्बिट्स. इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उनकी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, ख़ास मकदार में एनर्जी होती है. जब बाहर से हम इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये साहब जो होते हैं ये एक्साइटेड हो जाते हैं और ये अपना लेवल छोड़ के ऊपर वाले लेवल में, हायर लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं. इस फॉर्म में हम इसको कहते हैं, ये कौन सी फॉर्म में है? एक्साइटेड फॉर्म में. यहाँ पर ये एक्साइटेड फॉर्म में आ गया. अब जब इसकी तमाम ऐश व इशरत ख़त्म हो जाते हैं और इसकी ये दौलत दोबारा इससे छिन जाती है, यानी ये फोटोन ये इमिट कर देता है. जब तक ये एक्साइटेड स्टेट में रहता है ये एक्साइटेड होता है, ये नॉर्मल नहीं होता. जब ये इससे ये एनर्जी निकल जाती है तो ये दोबारा ग्राउंड स्टेट पे या नॉर्मल स्टेट पे या अपने ऑर्बिट में आ जाता है. तो इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और लिफ्टेड अप हो जाते हैं टू अ हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं. करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं हमने. नंबर 1. स्पीड ऑफ लाइट इज़ डैश. स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. Small drop of rains of water disperse sunlight into different colors. जो छोटे छोटे drops of water होते हैं वो light को disperse कर देते हैं, और चूँकि disperse करते हैं तो इस process को कहते हैं dispersion. According to quantum theory of light, photons are. Quantum theory of light क्या कहती है? Photons क्या होते हैं? Energy के छोटे छोटे packets होते हैं. Number C. Number 4. According to Huygens wave theory, light propagates in shape of. हाइजेंस ने कहा क्या कहा था? लाइट प्रोपोगेट करती है इन शेप ऑफ वेव्स. नंबर 5. वी यूज़ अ डैश टू डिस्पर्स वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स. हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं भाई? हम यूज़ करते हैं प्रिज्म, ताकि वाइट लाइट को हम उसके मुख्तलिफ कलर्स में डिस्पर्स कर सकें. नंबर 6. द रेडिएशन विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हीट इज़ कॉल्ड. वो रेडिएशन जो हमें हीट फील कराती हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्रारेड. गर्म रेडिएशंस होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती है? इनमें होती है एनर्जी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपनी प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हमें पता है इनमें से तमाम ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या रेडार रेज, इनको अपने प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आखिर में हमारे पास कौन सा मासूम रह जाता है? ये साउंड वेव्स। तो कौन सी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है बल्कि मैकेनिकल वेव्स हैं, दैट इज साउंड वेव्स। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A ray of white light is shown onto a glass prism. The light cannot be, अगर हमने एक रे ऑफ लाइट को प्रिज्म पे डाल दिया तो अब हम लाइट को क्या नहीं कर सकेंगे, हम इसको किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकेंगे क्योंकि लाइट टूट फूट का शिकार हो चुकी होगी। Which of the following examples of electromagnetic radiation has the shortest wavelength? इनमें से कौन सी, हाँ ये देखो एक पिक्चर मुझे मिली थी बड़े मज़े की, ये रही। अब देखो हमें कौन कौन सी दी हुई है, रेडियो वेव्स, इसकी रेडियो वेव्स की वेवलेंथ देखो ये है वेवलेंथ। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहाँ है, ये रही भाई, ये रही इंफ्रारेड की वेवलेंथ। देन वी हैव अल्ट्रावायलेट, ये रही अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ, और ये है एक्स रेज की वेवलेंथ। तो सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है, एक्स रेज की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा छोटी है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ एक्स रेज। Infrared radiation stimulates the formation of vitamin D. No, false. Due to atmospheric pollution, the oxygen layer is being. अच्छा बेटा ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, ये समझ लो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लाइट होती है। सो इसको हम ट्रू कर लेते हैं, ओजोन और ऑक्सीजन एक जैसे ही है, एक O2 है और एक O3 है। सो यस ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट जो होती है वो होती है फ्रॉम 400 टू 700, तो ये गलत है। रेनबो अपीयर्स इन द स्काई ऑन द साइड ऑपोजिट वेयर सन इज लोकेटेड। ओके, जिस जगह पे सन होता है और बारिश हो रही होती है, सन की लाइट बारिश के पार्टिकल्स में से टकरा के डेविएट हो जाती है और दूसरी साइड पे हमें रेनबो नज़र आता है। तो ऑपोजिट साइड पे होता है रेनबो, यस ठीक है, ट्रू है। White light is refracted while passing through a prism. The amount of refraction is not the same for all the colors. सही बात है। देखो ये जैसे मैंने ये बताया, यहाँ पर अगर इसकी जगह प्रिज्म होता तो वाइट लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, और देखो जब हमारे पास वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो हमारे पास मुख्तलिफ बैंड्स बनते हैं। ये बैंड्स 7 कलर्स के क्यों बनते हैं, क्योंकि इनकी डिफरेंट वेव लेंथ्स होती हैं। ठीक हो गया, तो ये नंबर 5 भी ट्रू है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ वायलेट लाइट इज डबल देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ रेड लाइट, ये भी ट्रू है।